बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हाज़र है एक नई अपडेट के साथ। आज की वीडियो में तीन से चार बड़ी अपडेट्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहली बड़ी अपडेट, हफ्ते की छुट्टी ख़त्म कर दी गई है, जी हाँ नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दूसरा बड़ा सवाल, क्या स्कूलों में मज़ीद छुट्टियाँ होंगी। तीसरा बड़ा खबर, जीपी फंड शरह में इजाफा, मुलाजमीन को लाखों का फ़ायदा। और चौथी बड़ी अपडेट, तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ, वज़ीर आज़म का बड़ा बयान सामने आ गया है। बढ़ते हैं पहली खबर की जानब। पहली बड़ी खबर छुट्टी के हवाले से है। वजारत तालीम ने इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में हफ्ते की छुट्टी ख़त्म कर दी है। फैसले का इतलाक 10 अगस्त से होगा। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और नोटिफिकेशन आपके सामने है। हफ्ते के रोज़ तालीमी इदारों में मुख्तलिफ मज़ामीन में कमज़ोर बच्चों पर तवज्जो दी जाएगी। हफ्ते के रोज़ तलबा के लिए मुख्तलिफ गैर निसाबी सरगर्मियों का अहतमाम भी किया जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की जानब। दूसरी बड़ी खबर, क्या छुट्टियों में इजाफा होने जा रहा है। तो इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, पंजाब के तमाम तालीमी इदारे 15 अगस्त 2024 से दोबारा खुल रहे हैं। ये अफवाहें गर्दश कर रही थी कि छुट्टियों में इजाफा किया जाएगा। ताहम महकमा तालीम पंजाब ने वाजे किया है कि फ़िलहाल ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। इस ऐलान के बाद वालदैन, तलबा और असाज़ा को यकीन दहानी कराई गई है कि मौसम गर्मा की तातीलात के बाद तालीमी सिलसिला मुकर्रर तारीख पर ही शुरू होगा। तमाम तालीमी अदारे अपने मामूल के शेड्यूल के मुताबिक काम करेंगे और उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं की गई। अब बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की जानब। नासीन, साल 2024 के लिए जीपी फंड का जो इजाफा है वो होगा 19.5%। और इस हवाले से नोटिफिकेशन 3 अगस्त तक जारी होने का इम्कान है। अगर जीपी फंड शरह में इजाफा होता है तो इससे सरकारी मुलाजमीन को बड़ा फ़ायदा होगा। अब बढ़ते हैं चौथी बड़ी अपडेट की जानब। चौथी बड़ी अपडेट यह है कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि तनख्वाहदार पर टैक्स का हमें एहसास है, बाज़ टैक्स तो बिल्कुल जायज़ हैं। ये कहना था शहबाज शरीफ का। नासरीन, इस्लामाबाद में वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली के बहरान को हल करने के लिए हमारी कोशिश जारी है। नवाज शरीफ के दौर में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग का खात्मा हुआ और उनका कहना था कि हुकूमत के अपने IPPs हैं, उनका कोई इशू नहीं, तनख्वाहदारों का एहसास है, इसलिए 200 यूनिट तक के सार्फीन को तहफ़ दिया है, हम किसी सियासी दबाव में नहीं हैं। ये कहना था शहबाज शरीफ का। नाज़रीन, ये थी आज की बड़ी अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।